जश्न ईद मिलादुन नबी के अवसर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा गुल मोहम्मद के नेतृत्व में एक चादर पोसी को लेकर जुलूस निकाला जा रहा था, जो कि तरेटी से प्रकाश चौक शिल्प प्लाजा होते हुए बड़ी दरगाह जा रहा था, जिसे सूचना पर पहुंची अमैया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल, सिटी कोतवाली थाना प्रभारी आदित्य प्रताप सिंह एवं डीएसपी यातायात मनोज वर्मा द्वारा सीएसपी सच्चिदानंद प्रसाद के नेतृत्व में पहुंच होटल सेलिब्रेशन के पास जुलूस को रोक थाने ले आई। आपको बता दें कि शांति समिति की बैठक में कलेक्टर द्वारा सभी प्रकार के आयोजनों को करने प्रदेश की गाइडलाइन के तहत अनुमति लेना अनिवार्य किया था। वहीं अनुमति न होने की स्थिति में उक्त कार्रवाई की गई। वहीं इस कार्रवाई के बाद लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद एसडीएम फरीन खान ने मौके पर पहुंच समझाइश दी और हंगामे को शांत किया। प्रस्तुत एक झलकी एवं गुल मोहम्मद सहित एसडीएम फरीन खान से जानकारी के अंश। गुल मोहम्मद, मामला ऐसा हुआ सर कि शांति समिति में ये तय हुआ था कि जिस तरह दशहरा हुआ और विसर्जन हुआ, आप भी उस तरह गाइडलाइन का पालन करते हुए 25-50 लोग आप जाके जो है तो अपना झंडा लेके आप जुलूस निकाल सकते हो। हमारे आदमी सिर्फ तरहटी के हैं और यहाँ खड़े हुए हैं कुछ लोग, इतने ही लोग। हम लोग ढोल नगाड़े के साथ जा रहे थे और जिसमें कोई डांस नहीं कुछ नहीं, सीधे हम लोग वहाँ से घर से निकले और डायरेक्ट अमैया जा रहे हैं। प्रशासन ने यहाँ रोक के जो है तो गाइडलाइन का उल्लंघन बताया और जो भी है प्रकरण दर्ज करने की बात चल रही है। अब जो हो तो क्या लोग थे आप लोग? हम लोग भैया कम जितना गाइडलाइन दिया गया था समथिंग 40 के लगभग थे। जैसे मतलब ये हुआ कि भाई जिस तरह दशहरा हुआ आप लोग शांतिपूर्वक मना लो, कोई इधर उधर का जुलूस नहीं, किसी मोहल्ले का जुलूस नहीं, तरहटी का था और जुलूस भी शक्ल नहीं थी। हम लोग चादर पोसी करने जा रहे थे, चूँकि आज बड़ी दरगाह हम लोग फातिहा के लिए जाते हैं। तो आप लोग चादर चढ़ाने जा रहे थे तो क्या प्रॉपर तरीके से कोविड के नियमों का पालन हो पा रहा था? बिल्कुल, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे थे। कुछ लोगों द्वारा ईद मिलादुन्नबी का जुलूस निकाला गया, वो लोग चादर चढ़ाने जाने का बता रहे हैं, उसको लेकर के यहाँ थाना अमैया में उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है और 188 के तहत कार्रवाई की गई है। और वही बाकी लोगों को समझा दिया गया है, सभी लोग अपने घर की तरफ वापस जा रहे हैं, कोई क्राउड गैदरिंग नहीं। कितने लोगों पर कार्रवाई की? अभी मैं संख्या एक बार देख लेती हूँ पता करके फिर मैं आपको जानकारी।